एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा कुमार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी हॉल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके सबके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ियाँ शेयर करूंगी और उन सब साड़ियों को मैंने लिया है मीशो से। सो जो भी साड़ियाँ हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अच्छी अच्छी साड़ियाँ देखने के लिए, क्योंकि अभी फेस्टिवल आने वाले हैं बहुत सारे या फिर वेडिंग सीजन भी आने वाला है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मीशो जो है वो इंडिया की नंबर वन रीसेलिंग एंड अर्निंग ऐप है। सो अगर इसके थ्रू आप अर्निंग करना चाहते हैं, घर बैठे कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप रीसेलिंग करके इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है रीसेलिंग करने में, पैसे अर्न करने में, तो आप अपने लिए भी बहुत सारी चीज़ें परचेस कर सकते हैं मीशो ऐप से। जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। और मीशो के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिंक नहीं होते हैं, कोड होते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कोड दे दूँगी जो जो मैं आपको दिखाऊँगी उन सब प्रोडक्ट्स का। सो मीशो ऐप को आप मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मीशो ऐप का लिंक दिया हुआ है। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करते हैं मीशो ऐप को, तो आपको मिल जाएगा 30% ऑफ आपके फर्स्ट परचेज पे। सो जो कुछ भी आप बाय करेंगे फर्स्ट परचेज, यानी कि जो कुछ भी बाय करेंगे पहली बार, उस पर आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो अगर आप भी डिस्काउंट चाहते हैं और कोई प्रोडक्ट्स आपको इसमें से अच्छे लगते हैं या फिर कुछ और अच्छा लगता है, तो मीशो को मेरे लिंक से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए देरी नहीं करते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। फ्रेंड सबसे पहले मैं आपके शेयर करूँगी ये ब्यूटीफुल सी, आप कह सकते हैं रामा ग्रीन कलर की साड़ी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल थी और इसका वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे लिया है। सो फेस्टिव ओकेजन्स के लिए इस तरह की साड़ियाँ बहुत चल रही हैं, तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। इसे की गई है काफ़ी सफाई से की गई है फिनिशिंग, और गोल्डन कलर से आप कह सकते हैं जड़ी का जो वर्क होता है वो वाला है, और साथ में रेड और येलो कलर के भी धागे यूज़ किए गए हैं। सो कुछ इस तरह का आपको वर्क मिल जाता है पूरे आँचल पे इस तरह से, और बॉर्डर पे भी। तो कुछ इस तरह की साड़ी, और इस पर बहुत ही ब्यूटीफुल इस तरह के फ्लावर्स बूटा वर्क के साथ बनाए गए हैं। पास से दिखाती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और जो फिनिशिंग है साड़ी की वो मुझे बहुत पसंद आई, काफ़ी अच्छे से सफाई से किया गया वर्क है। तो इस तरह से हम साड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये तो आँचल का एरिया हो गया जिसपे पूरे पे आपको वर्क मिल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो पूरी साड़ी कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हैं। नीचे में आपको कुछ इस तरह का बॉर्डर मिल जाता है जो कि पूरी साड़ी पे रहता है, और साथ में आपको नीचे में इस तरह का बूटा वर्क भी मिल जाता है जो कि इस तरह का आपको दिखेगा। और बिल्कुल सेम जिस तरह से आपको आँचल पे वर्क मिल रहा था, उसी तरह से आपको यहाँ पे पूरी साड़ी पे इस तरह का बूटा वर्क मिल रहा है, और साथ में स्टोन्स भी लगाए हुए मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कुछ इस तरह का है। ऊपर में भी आपको कुछ इस तरह से बॉर्डर मिल रहा है जो कि बहुत अच्छा लगता है। और इस साड़ी की कलर भी बहुत प्यारी है, और इस साड़ी में आपको और भी कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे। मीशो ऐप पे बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, में आपको पूरी साड़ी पे इस तरह का बॉर्डर मिल जाता है, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो साड़ी है वो कुछ इस तरह की है, जो कि यहाँ पे ख़त्म हो जाती है हमारी साड़ी। और इसके साथ यहाँ पे कुछ इस तरह का, जहाँ पे हम लपेटेंगे वहाँ पे बिल्कुल प्लेन साड़ी मिल रही है, और साथ में मिल जाती है आपको ब्लाउज पीस। जो ब्लाउज पीस आपको मिल रही है वो बिल्कुल साड़ी से मैचिंग कलर की है, और साथ में जो वर्क है वो भी बिल्कुल मैच कर रहा है कुछ इस तरह से। इसे आप स्लीव्स पे या फिर बैक में डलवा सकते हैं। जो ब्लाउज की फैब्रिक है वही कॉटन सिल्क टाइप की जो फैब्रिक आती है वो वाली है। नेक्स्ट साड़ी हम देखेंगे वो इस तरह की ब्यूटीफुल सी साड़ी है, और ये गोटा पट्टी वाली साड़ी है, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड जो साड़ी का आँचल है वो कुछ इस तरह का है, पूरी साड़ी पे आपको गोटा पट्टी का वर्क मिल जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्कुल राजस्थानी साड़ी लगती है ये, मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसका जो कलर था वो भी मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा, इसलिए मैंने इसे बाय किया है। सो पूरी साड़ी जो है वो लहरिया पैटर्न में है कुछ इस तरह से, और उस पूरे साड़ी पे आपको इस तरह की गोटा पट्टी का वर्क मिल जाता है, और साथ में लेसिंग भी लगाई गई है ग्रीन कलर की। कॉन्ट्रास्ट में ये पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो पूरी साड़ी इसी तरह की है, और ये इसका आँचल है। तो हम आगे बढ़ते हैं। साड़ी पे आपको ओवरऑल कहीं पे भी कोई भी एम्ब्रॉयडरी या प्रिंटिंग ये सब नहीं मिलता है कोई वर्क, बस बॉर्डर पे आपको इस तरह का वर्क मिल जाता है पूरी साड़ी पे। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं साड़ी कुछ इस तरह की हो जाती है, बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल लहरिया वाला पैटर्न साड़ी पे हमें मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है कुछ इस तरह का। बिल्कुल आप कह सकते हैं वेडिंग और पार्टी वेयर साड़ी है ये, और इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल थे, तो अगर आप कोई दूसरा कलर भी चाहते हैं तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह की साड़ी है, पूरी साड़ी आपको इसी तरह की मिल जाती है। साथ में ये जो लहरिया पैटर्न है ये आपको प्रिंटिंग की गई है गोल्डन कलर से, फॉइल प्रिंटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है।
सो ये जितनी भी साड़ियाँ हैं ये सब आप मशीन वॉश नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप ड्राई क्लीन में दे सकते हैं या फिर बिल्कुल लाइट आप बिल्कुल एक दो मिनट के लिए पानी में डालकर निकाल सकते हैं, उस तरह की साड़ियाँ हैं ये। सो कुछ इस तरह की साड़ी है, आप देख सकते हैं नीचे में इस तरह का आपको बॉर्डर मिल जाता है पूरी साड़ी पे। काफ़ी अच्छी खासी साड़ी की लेंथ भी है, मुझे बहुत पसंद आई। ओवरऑल ये वाली साड़ी भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है और कलर भी बहुत अच्छा है। तो साड़ी तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब बात कर लेते हैं इसके ब्लाउज पीस की। साड़ी के साथ आपको इस तरह का ग्रीन कलर का कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज पीस मिल जाता है और इस पर भी इस तरह से गोटा पट्टी लगाई गई है और लेसिंग लगाई गई है जिसे आप स्लीव पे या बैक पर डलवा सकते हैं। और ब्लाउज़ की फैब्रिक वही कॉटन सिल्क वाली मिक्स वाली है। करूँगी आप सबके साथ ये ब्लू कलर की साड़ी और इसमें मैंने ग्रीन कलर भी मंगवाया था तो आप लोगों को बहुत पसंद आया था और मैंने इसलिए इसे ब्लू कलर में भी लिया है क्योंकि ये वाला ब्लू कलर मेरे पास नहीं था, मतलब इस कलर में मेरे पास साड़ी नहीं है, तो मुझे ये वाला जो पैटर्न है ब्लू में भी बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इसलिए इसे बाय किया है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूरी साड़ी जो है वो आपको अगेन गोटा पट्टी वर्क में मिल जाती है और गोटा पट्टी जो है अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है तो इसलिए इस तरह की साड़ियाँ अभी बहुत चल रही हैं, राजस्थानी वाली साड़ियाँ जो है। सो इस तरह से इसमें गोटा पट्टी की गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साड़ी है ये। ब्लाउज पीस आपको इसके साथ मिल रहा है वो भी रेड कलर का ही मिल रहा है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। सो साड़ी कुछ इस तरह की है, ये इसका आंचल है और इस पर इस तरह से गोटा पट्टी में ही फ्लावर बनाए गए हैं और साथ में रेड कलर के धागे से भी वर्क किया गया है। काफ़ी अच्छे से इस साड़ी को फिनिशिंग दी गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। ये तो हो गई आंचल एरिया की बात, कलर कितना अच्छा लग रहा है ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। तो ये हो गई आंचल की बात, अब हम साड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो साड़ी में नीचे में आपको इसी तरह का बॉर्डर देखने के लिए मिल जाता है और साथ में इस तरह का जो पैटर्न है फ्लावर्स वाला वो भी बनाया हुआ मिल रहा है पूरी साड़ी पे। बट ऊपर में आपको जो बॉर्डर है वो नहीं मिलता है, यहाँ से ख़त्म हो जाता है, जब आप प्लीट्स वगैरह बनाते हैं वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और बाकी में ओवरऑल पूरी साड़ी पे आपको इस तरह का हैवी वर्क गोटा पट्टी वाला देखने के लिए मिलता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है कुछ इस तरह का, आप देख सकते हैं पूरी साड़ी आपको इसी तरह की मिल जाती है। और लास्ट में जहाँ पे आप कह सकते हैं कि साड़ी को लपेटना है वहाँ पे ये बिल्कुल प्लेन है। तो साड़ी के साथ आपको जो ब्लाउज़ पीस मिल रही है वो रेड कलर की है और बहुत ही प्रिटी है, अच्छी फैब्रिक क्वालिटी है, लेंथ वगैरह फैब्रिक की जो है वो बहुत अच्छी है। और साथ में इस तरह की आपको ये वाली जो है गोटा पट्टी वाला कपड़ा मिल रहा है जिसे कि आप स्लिप्स में या फिर बैक में लगवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स साथ में मैं आप सबके साथ ज्वेलरी भी शेयर करने वाली हूँ। तो ज्वेलरी में जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैंने आप देख सकते हैं ये वाले झुमके लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं, हमारे इसे ब्लैक मेटल भी कहते हैं, तो कुछ इस तरह की है, बहुत ही ब्यूटीफुल और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे ये मिल गई थी। और सबसे अच्छी बात है कि देखने में बहुत ज़्यादा हैवी लगती है बट काफ़ी लाइट वेट है पहनने में, आपको बिल्कुल भी इससे इरिटेशन नहीं होगी या आप कह सकते हैं कि भारी भारी सा नहीं लगेगा, काफ़ी लाइट वेट है। इस तरह का झुमका बहुत ही प्रिटी लगता है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पैक्ड होके आया था और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमल के फूल बनाए गए हैं और इस तरह की डिज़ाइनिंग दी गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और पहनने पे और भी अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इस तरह की जो ज्वेलरी है वो काफ़ी कम मिलती है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मिली थी इसीलिए मैंने ले लिया। तो इसका कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो आप देख लीजिएगा। मैं आपके शेयर करूँगी बहुत ही ब्यूटीफुल एक चीज़ जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो वो है ये पिंक कलर का झुमका। तो इसमें कि येलो झुमका जो है वो मैंने हाल में ही लिया था और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, तो इनकेस अगर आपने वो वाली हॉल वीडियो नहीं देखी है तो चेक कर लीजिएगा। सो सेम झुमका मैंने एक और कलर में भी लिया है और वो है ये पिंक वाला कलर, तो इस कलर का भी झुमका बहुत अच्छा मुझे लग रहा था तो इसलिए मैंने इसे ले लिया। बहुत ही ब्यूटीफुल इस पर वर्क किया गया है कुछ इस तरह का, आप देख सकते हैं, और कुंदन का वर्क है और साथ में स्टोन्स भी लगाए गए हैं। और पिंक कलर की आउटफिट के साथ इस तरह का जो इयररिंग है वो बहुत अच्छा लगता है, पिंक कह लीजिए या बेज कलर की आउटफिट के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह का झुमका आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है किसी वेडिंग फंक्शंस में या पूजा में, कुछ ज़्यादा अगर आपका जो ओकेजन है वो नहीं है ज़्यादा हाई फाई तो फिर आप सिर्फ इयररिंग भी पहन सकते हैं और साथ में मंगलसूत्र कैरी कर सकते हैं अगर शादीशुदा हैं, या फिर अगर आप अनमैरिड है तो कोई चेन पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आता है। सो इस तरह की जो इयररिंग्स होती हैं वो इन्वेस्टमेंट होती हैं, इन्हें आप बहुत तरह से स्टाइल कर सकते हैं, बहुत तरह के कपड़ों के साथ स्टाइल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एक बार ट्राई करिएगा, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। और मैं आपको शेयर करूँगी वो बहुत ही ब्यूटीफुल नेक पीस सेट है और ये वाली नेक पीस भी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो ये मैंने लेयरिंग वाली नेक पीस ली है, मैं आपको दिखाती हूँ।
कलर की लेयरिंग वाली नेक पीस मैंने बाई की है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगी थी मुझे पिक में भी और आने के बाद भी मुझे ये बहुत पसंद आई है। सो कुछ इस तरह की नेक पीस है, पूरे पे आपको स्टोन्स का और कुंदन का वर्क मिल जाता है जो कि इसे बहुत ही फैंसी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। बहुत ही अच्छी लेयरिंग के साथ आती है और साथ में ये मरून कलर का आप देख सकते हैं बीड्स लगाए गए हैं इसमें जो कि और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। फिर आपको ईयरिंग्स भी मिल जाती हैं जो कि उतनी ही ब्यूटीफुल हैं जितना कि आपको नेक पीस लगेगी। सो कुछ इस तरह की ईयरिंग आपको मिल जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। बहुत ही अच्छी कुंदन का वर्क किया गया है, साथ में आपको रेड कलर की बीड्स मिल रही हैं जो कि इसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती हैं। बहुत तरह के आउटफिट के साथ आप इन्हें भी कैरी कर सकते हैं, सिर्फ ईयरिंग भी कैरी करेंगे तो भी काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो कुछ इस तरह की ईयरिंग आपको मिल जाती है, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है और साथ में आपको टीका भी मिल जाता है। जी हाँ, यानी कि मांग टीका। तो इसका सेट में आपको मांग टीका भी मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी है और एक सेट आपका रेडी हो जाता है पूरी तरह से वेडिंग फंक्शंस में। अगर आपके किसी रिलेटिव की शादी है, अगर आप बहन हैं या कुछ भी भाभी हैं तो भी आप इस तरह का सेट कैरी कर सकते हैं, लहंगे पे, साड़ी पे बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह का इसका मांग टीका है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे दिए हुए लिंक से आप मीशो ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। तो होम पेज पे ही आपको बहुत सारी लेटेस्ट जो भी डील्स वगैरह हैं या ऑफ़र चल रहे हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाला सूट मुझे अच्छा लगा है, बट आप और भी कुछ भी चेकआउट कर सकते हैं जो भी आप चाहें। और अगर यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है मनचाहा तो फिर कैटेगरीज सेक्शन में आप जा सकते हैं और वहाँ से आप स्पेसिफिक कुछ भी ले सकते हैं, ज्वेलरी अगर चाह रहे हैं या होम के लिए कुछ डेकोर का सामान, या फिर आप वेस्टर्न वेयर चाहते हैं, किड्स वेयर चाहते हैं, मेन्स वेयर, सब कुछ अवेलेबल है मीशो पे। तो जो भी चाहें आप सिलेक्ट करके बाई कर सकते हैं या रीसेल कर सकते हैं। बट मान लीजिए मुझे यही वाला सूट पीस पसंद आया है और मुझे इसे रीसेल करना है, तो मैं यहाँ शेयर नाउ पे क्लिक करूँगी तो इसके सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो शेयर हो जाएंगे जिससे मुझे रीसेल करनी है उससे। बस प्राइस जो है वो शेयर नहीं होगा, बाकी क्या कितने मीटर कपड़ा है, कौन सा कपड़ा है, क्या क्या मिल रहा है आपको, वो सब शेयर हो जाएगा। तो रीसेलिंग करने में आसानी होती है, बट अगर आप अपने लिए ले रहे हैं तो आप ऐड टू कार्ट करके कर सकते हैं। मान लीजिए रीसेलिंग कर रहे हैं या अपने लिए ले रहे हैं, दोनों में ही सेम स्टेप्स हैं। कौन से पेमेंट ऑप्शन आपको चुनना है आप देख सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन, जो कुछ भी आप चाहें। तो मान लीजिए कैश ऑन डिलीवरी आपने चुन ली है और 606 रुपीज़ इसकी प्राइस है। तो अगर आप खुद से ले रहे हैं तब तो आपको इतना का ही ले लेना है, बट अगर आप रीसेलिंग कर रहे हैं तो आप जितना भी बढ़ाकर मार्जिन चाहते हैं उतना लिख सकते हैं। तो मान लीजिए 706 रुपीज़ आपने यहाँ पे लिख दी, तो जो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा है वो आपका जो कस्टमर है वो पे करेगा, यानी कि टोटल वो 706 रुपीज़ पे करेगा और जो 100 रुपीज़ हैं वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएंगे और वो आपकी मार्जिन यानी कि आपकी इनकम होगी। बट अगर आप खुद के लिए ले रहे हैं तो जो प्राइस है वही लिखिए, मार्जिन ऐड मत करिए, 606 रुपीज़ लिखकर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस तरह से आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सो अगर आप रीसेलिंग कर रहे हैं तो कस्टमर के पास पहुंच जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में जैसे ही रिटर्न पीरियड ख़त्म होगा पैसे आ जाएंगे जो भी मार्जिन आपने डाली है। बैंक अकाउंट जरूर फिल कर दीजिएगा, माय बैंक डिटेल्स सेक्शन में जाकर आपको फिल करनी है। मीशो इंडिया की नंबर 1 रीसेलिंग एंड अर्निंग ऐप है, एक बार ट्राई जरूर। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी एवरटीन की क्रीम हेयर रिमूवर। सो फ्रेंड्स, ये क्रीम हेयर रिमूवर है और ये नेचुरल है, सो आपके लिए बहुत अच्छी है और इसका जो फॉर्मूला है वो सेंसिटिव स्किन का है। सो आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। एवरटीन के सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हुए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। सो इससे कोई भी हार्श स्मेल आपको नहीं होगी, इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है और जो स्मेल होती है वैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है। प्राइस की बात करूँ तो 149 रुपीज़ है इसकी प्राइस है और 50 ग्राम की आपको क्वान्टिटी मिल जाती है। सब कुछ इंग्रेडिएंट्स ये सब यहाँ पे मेंशन है और आपको किस तरह से यूज़ करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। और इस तरह से इसके अंदर की पैकेजिंग आती है जो कि बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली है, ट्यूब के पैक में आती है। आप डेफिनेटली इसे काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इचिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है और सबसे अच्छी बात है कि आपकी स्किन जो है वो डार्क भी नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल क्रीम हेयर रिमूवर से स्किन डार्क हो जाती है, बट इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ये थी आज की मेरी हॉल वीडियो। सो आई होप ये वाली हॉल वीडियो आपको पसंद आई होगी। मीशो के जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं उन सबका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और मीशो ऐप का लिंक भी दे दूंगी। अगर आप मेरे लिंक से मीशो ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको 30% ऑफ हो जाएगा आपके फर्स्ट परचेज पे। सो मेरे दिए हुए लिंक से ही डाउनलोड कर लीजिएगा और जो भी प्रोडक्ट्स आप बाई करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं, कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर इस तरह के हॉल वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बाकी के चैनल्स में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ब्लॉग चैनल पे इंटरेस्टेड हैं या स्किन केयर मेकअप ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे बाकी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।